HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी। आज इनसे हरियाणा की राजनीति को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संगठन कमजोर है कांग्रेस का, उसको लेकर के करेंगे। क्यों नहीं हरियाणा में संगठन बन पा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो चाहे अन्य हो, संगठन को लेकर के विद्रोही जी क्या कहेंगे? क्यों आपका संगठन कांग्रेस का कमजोर है, हरियाणा के अंदर नहीं बन पा रहा है संगठन, क्या वजह है? देखिए विगत 6 सालों से हरियाणा के अंदर ना कोई जिला अध्यक्ष है ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, और विधानसभा के चुनावों ने प्रमाणित कर दिया यदि कांग्रेस संगठन के संदर्भ में 6 महीना पहले भी कोई निर्णय कर लेती, जो आवश्यक बदलाव जो इन्होंने ऐन समय पर किया वो कर देती, तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। अब ये कांग्रेस के नेतृत्व का दुर्भाग्य है कि वो निर्णय करने में बहुत देरी कर रहा है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक पार्टी में कोई तुरंत फुरंत निर्णय नहीं होते, चर्चाएं होती हैं, पर चर्चाएं इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि चर्चा चर्चा में इतना समय बर्बाद हो जाए कि संगठन बन ही नहीं पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे, आप बोले कि हमसे अभी चुनाव है, चुनाव के तुरंत बाद हम संगठन को मजबूत करेंगे। आपका चुनाव हो लिया, 16 दिन सरकार को भी हो लिया, आपका मार्च भी लग गया, आज 11 मार्च हो गया, अभी तक कोई चालू नहीं हुआ है, और आप लोगों ने कहा था मार्च के स्टार्टिंग में हम लोग जो संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएंगे, और नहीं लगता आपको ये संगठन की खामियां ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो स्थिति बनी है वो भी इसी की एक वजह? मैं उसी दिशा में आ रहा था, आपने सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी ने 9 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया, कांग्रेस को 9 महीना लगा दिया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक निर्णय नहीं किया है। कांग्रेस को तत्काल निर्णय करना चाहिए था, ये जेट युग है, और जेट युग के साथ साथ जो आपका मुकाबला हमारा कांग्रेस का है वो फासिस्ट और लूमड़ टाइप के व्यक्तियों से है। अगर आपने फासिस्ट भाजपा संघ और लूमड़ मोदी और शाह का मुकाबला करना है तो उसी तेजी से आपको निर्णय करने पड़ेंगे। कांग्रेस को अब एक क्षण भी गवाए तत्काल सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर अपने अध्यक्ष का जो भी विवाद है, जो अनिर्णय है, उस पर टरकाऊ रवैया अपनाने के बजाय पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर। दूसरा सवाल, हरियाणा के अंदर एक पखवाड़े के अंदर अंदर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष का नियुक्ति करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को 15 महीने लगा दिए, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। पार्टी जो भी निर्णय करे, पार्टी कभी गलत भी निर्णय कर लेती है, सही भी निर्णय कर लेती है, पर संगठन के संदर्भ में यथास्थितिवादी और जो टरकाऊ रवैया कांग्रेस में अपनाया जा रहा है वो पार्टी के लिए घातक है। जब कांग्रेस देश के अंदर एकमात्र पार्टी होती थी राष्ट्रीय, और जिसका एक छत्र राज था, तब ये टरकाऊ और यथास्थितिवादी निर्णय
कांग्रेस को नुकसान नहीं करते थे, पर आज की जो राजनीतिक हालत है, मोदी भाजपा संघ का जो राजनीति में एक वर्चस्व स्थापित हुआ है, अपार काले धन और जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग हुआ है, षड्यंत्रों और खरीद फरोख्त की जो राजनीति हुई है, उसका मुकाबला कांग्रेस तभी कर सकती है जब कांग्रेस अपने संगठन के संदर्भ में जो भी निर्णय करने पड़े वो तत्काल करे और कोई भी यथास्थिति और टरकाऊ रवैया संगठन के संदर्भ में ना। तो आप साफ तौर पे मान रहे हैं ना कहीं कांग्रेस में खामी है, संगठन नहीं बना पा रही है, क्यों आला कमान नहीं सोच रहा है, धीरे धीरे पार्टी का बंटाधार होता जा रहा है, तमाम लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, तो इस खामियों को कौन दूर करेगा? आपका आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता आला कमान है, क्या उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, या वो राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है कि पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए? जब आप खुद मान रहे हैं कि आज भाजपा टक्कर में है और उसके बराबर में कंपैरिजन में हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो आप कहां पिछड़ रहे हैं? देखिए, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे आप संगठन बना लो या न बना लो, वो महत्वाकांक्षी लोग तो सत्ता के लिए रुकने वाले नहीं है, वो एक अलग चैप्टर है। पर जहां तक संगठन का सवाल है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व को इस दिशा में गंभीरता और ईमानदारी से सोचना होगा। क्यों हरियाणा में बिना संगठन के आपको नुकसान हुआ? आपकी आज इतनी सीटें आई, अगर संगठन मजबूत होता तो और आपकी 5-10 सीटें बढ़ती और हरियाणा में आपकी शायद सरकार बनती। ये संगठन की और जितने भी देखिए जेजेपी है, उन्होंने संगठन बनाया, और जो पार्टी है भाजपा लगातार लगी हुई है सदस्यों का विस्तार करने में, और आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं लगता बिल्कुल हाशिए में जाने की स्थिति में पार्टी आ गई है? देखिए, पार्टी तो हाशिए में नहीं जा रही, हमारे 31 विधायक हैं, हम मजबूत हैं। परंतु मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही कहा था कि यदि हमारा संगठन का जो बदलाव था वो चुनाव से 6 महीने पहले भी हो जाता तो आज हरियाणा में हमारी सरकार होती, और संगठन में अपेक्षित बदलाव न करने का खमियाजा हरियाणा में हम भुगत रहे हैं कि सरकार की बजाय हम विपक्ष में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से संगठन में 31 सीटें आप अगर ये मान रहे हैं कि आपके संगठन की वजह से आई है, तो शायद मैं समझता हूँ आपकी भी गलतफहमी है। आप भाजपा की टिकट वितरण का कहीं ना कहीं कुछ खामियां हुई है, या ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा मात खा गई, या आपके जो कमांड है हुड्डा साहब को 1 महीने पहले दी गई, आपको लगता है साल भर पहले तैयारी करनी चाहिए थी? आप गलत समझ रहे हैं। कांग्रेस ने 31 सीटें अपने दम पर जीती हैं। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि यदि हम बदलाव पहले कर देते, पहले हुड्डा जी को या और शैलजा जी को कमान 1 साल पहले मिल जाती तो हमारी सरकार होती। तो मैं कह रहा हूं संगठन न होने की वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है, और बहुत से राज्यों में हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, तो संगठन की कमी और आपसी गुटबाजी कहीं ना कहीं नुकसानदायक आपकी पार्टी। हाँ, हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ ना, तो मैं कह तो रहा हूँ कि गुटबाजी और संगठन पर जब तक केंद्रीय नेतृत्व तत्काल फैसले नहीं करेगा, कांग्रेस को नुकसान होगा और हम भाजपा मोदी संघ की षड्यंत्रकारी राजनीति का कारगर ढंग से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। तो देखिए, सीधा सीधा मान लिया है प्रवक्ता जी ने, वेद प्रकाश भद्रोही जी ने, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में संगठन की कमी है और नेताओं की आपसे गुटबाजी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक है। तो जाहिर है, जैसा भी प्रवक्ता जी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को
तुरंत प्रभाव से संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।